ये पंडित करनाल के रहने वाले हैं और आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनके ना सवाल खत्म होते हैं और ना जवाब खत्म होते हैं। और सबसे मुश्किल काम है जो ये सवाल पूछते हैं उसका जवाब ढूंढना, और जो हम सब यहाँ बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। हमारे सवालों का तो कोई जवाब ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना दिया हो। अच्छा आप ठीक है, अब और सवाल पूछना, आप मेरे साथ आ जाओ तो। हाँ। वो पूछ लेंगे कुछ भी। कौन पूछेंगे सवाल? अच्छा माइक दीजिए। बहुत अच्छा, ये अच्छा इधर से शुरू कर देते हैं। ये वाले भैया पूछेंगे सवाल। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। इतना आसान सवाल पूछ लिया तुमने कौटिल्य से। युगांडा किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। इटली के पश्चिम में कौन सा सागर है? क्या इटली के पश्चिम में कौन सा सागर है? इटली के पास कोई सागर है? हाँ, कौन सा? अच्छा। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? किसकी? दुनिया की सबसे छोटी कंट्री? वेटिकन सिटी। जल्दी 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 जल्दी। जमैका कहाँ स्थित है? वेरी गुड, बता दिया तुमने। कौटिल्य आपने बताया कि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, तो उसका एरिया कितना है? 110 किले। 110 एकड़। विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट तेजी से बढ़ रही है? विश्व की बहुत तेज। ठीक है, क्या बताया? इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? क्या इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ पर? सबसे लंबी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। हाँ, युगांडा के दो पड़ोसी देशों का नाम बताओ। जायरे और इथियोपिया। जायरे और इथियोपिया, वेरी गुड। अभी आप लोगों ने इतने सवाल पूछे, उसने इतने सारे जवाब दे दिए, अब कौटिल्य को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कौटिल्य को कुछ मिलना चाहिए ना? ठीक है, ये सब कौटिल्य के लिए ही तो है, ये तुम्हारे लिए। एक गिफ्ट ले लो कोई। कौन सा लोगे? ये वाला छोटा है। ये वाला ले लो, ये बड़ा है, भारी है, लेकिन तुमसे उड़ जाएगा। नहीं, उड़ जाएगा। चलो फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। चलो एक और सवाल मेरे मन में आया है, पूछ लूं? थाईलैंड के बारे में बता दो। थाईलैंड के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं और थाईलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। थाईलैंड के बाद कंबोडिया और म्यांमार और है मलेशिया और सिंगापुर और है उसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। बस 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 बस। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जवाब जो सवाल हमने पूछा अरबी, उसका जवाब चल रहा है टीवी पर अभी। ये मतलब हमारा ही इम्तिहान था कि ये जो बता रहा है वो देश हम ढूंढे। ठीक है, थाईलैंड ही था वो, इसका बस हमारा ठीक जवाब दिया था, बिल्कुल सही था। और इनके इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के लिए जिन्होंने कौटिल्य की इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा रखा है। तो चलिए बातचीत जारी है। कौटिल्य अपनी किसी गणना में लगे हुए हैं। इतनी पिछले एक मिनट से ही आप लोगों की गिनती कर रहे थे कि आप कितने लोग आए हैं, तो उन्होंने बताया कि आप 116 लोग हैं। अच्छा, अब तुम अपने बारे में हमको खुद बता दो कौटिल्य, अपने बारे में बताओ कुछ। एक तो अपना पूरा नाम बताओ। कौटिल्य पंडित। कहाँ रहते हो? कोंडगांव। कहाँ है ये? करनाल। घर के शहर के आसपास, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पानीपत के पास। अच्छा, सबके नाम बता दो। जल्दी 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 नाम बता दो सबके। दादा का नाम क्या है? दादा का नाम जेके शर्मा। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम श्री शर्मा। तुम्हारा नाम क्या है? कौटिल्य पंडित। वेरी गुड। अब ये बताओ कि सबको बता दो ये बात कि तुमसे सवाल पूछ सकते हैं और तुमको तुम जवाब दे दोगे। बोल दो सबको। तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा
वेरी गुड. ठीक है, अभी नहीं, इतने आसानी से नहीं, इतने आसानी से नहीं. वो फिर ब्रेक ले लेते हैं एक और ना. ब्रेक कर दो, ब्रेक 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 में ही पूछ लेंगे. ब्रेक होगा, ब्रेक. चलिए तो ब्रेक के बाद फिर बात कर लेते हैं.